सिकंदर सलमान खान के सबसे करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब भाईजान की जान को ध्यान में रखते हुए एक्टर की सुरक्षा में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी के साए और बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले सलमान खान की सिक्योरिटी को अब और ज्यादा टाइट कर दिया गया है। मैं आखिर बाबा की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस का नाम जो सामने आया है, और लॉरेंस की ओर से धमकी भी दी जा चुकी है कि जो भी सलमान की मदद करेगा उसे वो नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाते हुए मुंबई पुलिस की उन पर कड़ी निगरानी रहने वाली है। बाबा की हत्या और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे के चलते एक्टर की वाई प्लस सुरक्षा में एक और घेरा बढ़ा दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अब सलमान खान के साथ हर वक्त एक ट्रेंड कांस्टेबल रहेगा जो हर तरह के हथियार चलाने में माहिर होगा। ये सुरक्षा सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा और उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी से बिल्कुल अलग होगी। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि सलमान खान अब जिस भी इलाके में शूटिंग के लिए जाएंगे वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन को उनके ठिकाने के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पुलिस की एक टीम शूटिंग लोकेशन की पहले से ही निगरानी करेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के पनवेल में सलमान खान के फार्म हाउस की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। फार्म हाउस के अंदर और बाहर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। फार्म हाउस की रोड पर पुलिस कई बार लोगों को रोकती और चेक करती है। सलमान के स्टाफ से मंजूरी लेने के बाद ही किसी को अंदर जाने दिया जाता है। फार्म हाउस के एरिया में भी सीसीटीवी लगाए गए हैं और पुलिस इलाके की पेट्रोलिंग भी कर रही है। तो जो सीसीटीवी सलमान के घर और फार्म हाउस पर लगाए गए हैं उनके कैमरा में फेस रिकॉग्निशन फीचर है, जिसका मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग में आए व्यक्ति का चेहरा पहचान सकता है। अगर किसी का भी चेहरा इस कैमरे में 3 से ज्यादा बार कैद होता है तो ये अलर्ट भेजेगा। ये कैमरा 24 घंटे काम भी करेगा। साथ ही सलमान के घर की बाहर की लोकेशन को अब पुलिस बैरिकेडिंग में बदल दिया गया है। घर के गेट से कुछ मीटर दूर और गेट के अंदर भी पुलिस बल तैनात है। आपको ये बता दें कि इसी साल जब अप्रैल के महीने में लॉरेंस गैंग की ओर से सलमान के बांद्रा स्थित घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 4 राउंड ओपन फायरिंग की गई थी, तो उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की सरकार ने सलमान को वाई प्लस सुरक्षा दी थी। इसमें एक्टर की गाड़ी के साथ साथ पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी भी चलती है, साथ ही हथियारों से लैस जवान भी सलमान के साथ मौजूद होते हैं। वहीं अप्रैल के बाद जून के महीने में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान की कार को रोककर AK-47 राइफल से उन्हें गोली मारने का प्लान बनाया था। ये घटना गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई गोलीबारी की 2 महीने बाद ही हुई। हालांकि मुंबई पुलिस ने फार्म हाउस के पास सलमान को मारने की इस योजना को फेल कर दिया था। गौरतलब है कि 12 अक्टूबर की रात की गई बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ही ली है। जानकारी यही है कि बाबा की हत्या इसलिए हुई है क्योंकि उनके सलमान खान संग रिश्ते बहुत अच्छे थे। वहीं सलमान और लॉरेंस की दुश्मनी से तो सारी दुनिया वाकिफ है। पिछले 26 सालों से लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से एक्टर को कई धमकियां मिल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।